हाय गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ एक वायरलेस हेडफोन के बारे में जिसका नाम है अच्छा उल्टा हो गया यार। ओ सॉरी, फ्लो में उल्टा हो गया। ठीक है उसके ओके गाइस, आज मैं इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। इसके अंदर जो मतलब हेडफोन दिया गया है उसका लुक कैसे होने वाला है, इसका फीचर्स क्या क्या दिया गया है, सारे कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सो वीडियो के साथ जुड़े रहो, हम लोगों को ज़्यादा बातें करके टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हो। सो गाइस चलो इसको खोल लेते हैं। ठीक है सो चलो। सो गाइस, इस बॉक्स को अब खोलने का टाइम आ चुका है एंड इस बॉक्स को खोलने से पहले इसको बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे देते हैं। ठीक है सो चलो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हो, आपके सामने दिखा देते हो। ठीक है करीब लेके आता हूँ। सो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है मतलब ब्लूटूथ का जो वर्सन 5.0। ठीक है एंड उसके बाद दिया गया है स्मार्ट बटन, मतलब यह कुछ फिजिकली बटन नहीं दिया गया, यह कुछ शायद सेंसर वगैरह दिया गया। ठीक है मतलब जिसके टच करने से, जिसके ऊपर टच करने से आपको काम हो जाएगा। सो क्या क्या मतलब बटन का क्या क्या काम है सो उसके बारे में सारे डिटेल्स मैं बता दूंगा। सो ध्यान से वीडियो को देखना एंड उसके बाद मैग्नेटिक सेक्शन चार्जिंग, मतलब इसको मैग्नेटिक चार्जिंग जो वायरलेस चार्जिंग शायद होने वाला है। सो एंड इसके बाद क्या क्या स्मार्ट नॉइस रिडक्शन, मतलब जो नॉइस वो बहुत ही रिडक्शन करने वाला है। ठीक है सो और बहुत कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है सो इसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। आपको यहाँ से वीडियो को पोज करके अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, मैं इसको डायरेक्ट इसको खोल लेते हैं। ठीक है सो चलो खोल लेते हैं आपको इसको ओके इसको दिखा देते हो। ओके गाइस ओके कूल लुक है सो इसको देख लेते ओके इसके अंदर कुछ दिया गया के देख लेते और ये एक डाटा केबल दिया गया है। ठीक है सो ओए बाप, मतलब कि दिया आईफोन को जो चार्जर होता है, जो पिन होता है, ऐसा वाला कुछ दिया गया है। ठीक है सो आप देख सकते हो यहाँ मतलब कि ठीक है सो ठीक है इसको साइड में रख देते। आप इसके बारे में यह एक कुछ दिया गया लिखा जो इसके देखने की ज़रूरत भी नहीं है, मतलब इसको साइड में रख देते आप इसको कोई नहीं मतलब अभी। तो गाइस ये आपको दिखा देती हूँ। ठीक है सो ये आपको इसको जो का जो यहाँ इसको उठा देते हैं। ठीक है इसको ओके ओके ठीक है ओके, बहुत ही अच्छा लुक है गाइस आप देख सकते हो। ठीक है सो इसको खोलने और मतलब कि ये जो केबल दिया गया है इसको यहाँ से चार्ज करने पड़ेगा। ठीक है सो इसको रख देते एंड यहाँ जो लुक गाइस चलो इसके अंदर क्या क्या है क्या दिखा दे, मतलब यहाँ जो दोनों हेडफोन दिखाई दे रहा है इसको ऑन ओके इसको निकल लेते हो। वाह गाइस, इसको निकलने से ऑटोमेटिक ऑन हो जा रहा है। ठीक है सो इसको भी मतलब कि इसको इस बॉक्स के निकलने से आपको जो हेडफोन दिया गया है उसको ऑन हो जाएगा एंड आपको ब्लूटूथ ऑन करोगे तो ऑटोमेटिक इसको कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है सो एंड इसके अंदर रखने से यहाँ मैग्नेटिक मतलब यहाँ दूर से मतलब यहाँ ऐसे छोड़ने से यहाँ खींच लेता है। ठीक है सो ऐसे दिखा दे रहा है यहाँ। ठीक है सो इसको आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते, मतलब यहाँ जो बहुत ही लाइट वेट है दिखाई दे रहा है। ठीक है सो ओके गाइस, इसको कान में लगा लेते। ठीक है सो दिखा देते हो कैसे आपको दिखाई दे रहा है, आपको देख सकते हो। ठीक है इसको भी लगा लेते। सो गाइस कैसा लग रहा है आपको, मतलब कि बहुत ही लाइट वेट है, इसको कान में लगाने से कोई ज़्यादा मतलब कोई कुछ मालूम नहीं होता। ठीक है सो बहुत ही अच्छा फील भी आने वाला है, मतलब इसमें साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा। ठीक है अब गाइस इसके बारे में थोड़ा इसको जो बटन के बारे में आपको जानकारी दे देती हूँ। सो इस बटन का काम क्या है, कैसे इस बटन को मतलब एक सेंसर के बटन क्या क्या कैसे काम करता है। ठीक है सो इसको दिखा देते हैं। सो अगर आप कोई गाना सुन रहे हो, ठीक है सो उसको मतलब कोई फ़ोन वगैरह आते हैं या कुछ गाना सुन रहे हैं तो उसको एक बार यहाँ सेंसर या मतलब ये जो दिखाई दे रहा है इस होल के मतलब थोड़ा सा नीचे इसके ऊपर यहाँ से टच करोगी तो आपका जो कोई गाना वगैरह या फ़ोन आता है आपके फ़ोन में तो यहाँ से हल्का सा ऐसे टच करोगी तो आपका फ़ोन रिसीव हो जाएगा या आपका जो गाना प्ले हो रहा है उसका पॉज हो जाएगा। ठीक है मतलब सो गाइस ये दोनों है। ठीक है सो इसको ये जो दाएं वाला है, इस दाएं वाले के ऊपर अगर डबल टच करोगी तो आपका जो वॉल्यूम है उसको बढ़ेगा। ठीक है एंड बाएं वाले के ऊपर डबल टच करोगी तो आपका जो वॉल्यूम है वो घट जाएगा। गाइस अगर आप इसके ऊपर ट्रिपल टच करोगी तो आपका जो गाना चल रहा है उसका नेक्स्ट गाना चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है एंड गाइस एंड उसके इस बटन का और भी काम है, मतलब इसके बटन के ऊपर अगर 3 सेकेंड
मतलब 3 सेकंड, हाँ करीब 3 सेकंड आपको इसको प्रेस करके रखोगी तो आपका फ़ोन में, जिस फ़ोन में कनेक्ट है सो उसका जो गूगल असिस्टेंट वो ऑन हो जाएगा। एंड गूगल असिस्टेंट कैसे काम करता है उसके बारे में तो आपको पता है, ठीक है। सो एंड इसको ऑफ कैसे करोगे, सो इसको ऑफ करने के लिए इसको जो सेंसर दिया गया इसके ऊपर मतलब 5 सेकंड तक आपको ऑन एस्केप प्रेस करके रखना है। ओके गाइस, आप देख सकते हो ये ऑफ हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको ऑन करना चाहते हो तो फिर से सेम तरीके से इस जो सेंसर दिया गया इसके ऊपर प्रेस करके रखोगी तो आपका ये जो ऑन हो जाएगा। तो दिखाई दे रहा आपको ऑन हो चुका है। ओके गाइस, इसको कान में लगा लेते। एंड गाइस, अब लोग मैं इसको गाना सुन रहा हूँ और गाइस, एंड अगर आप इस वीडियो को पसंद आता है तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देना। साथ साथ अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो गाइस इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहीं से जाकर आप डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कर सकते हो। सो गाइस गुड बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।